तो गाइस यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये सिटी का नाम है कोचेला, कैलिफोर्निया में। हाय गाइस, तो जैसे आपने देखा, मैंने भी आपको बताया, ये सिटी का नाम है कोचेला और हम यहाँ पहुँच गए हैं। मतलब मैं अकेला, हम तो नहीं। तो थोड़ा सा स्टारबक्स पे कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत दिनों बाद निकला हूँ थोड़ी कुछ जर्नी के लिए, थोड़ा सा वेकेशन के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझको बोला था कि तुम क्यों एरिजोना जा रहे हो, क्योंकि एरिजोना में अभी गर्मी होगी, बट एसी है ना हर जगह। तो और मुझे जाना था, यू नो, जब कभी टाइम आता है, जब कभी आपको कहीं जाना होता है तो फिर जाना ही होता है। तो कंटिन्यू करते हैं गाइस। ओके, तो गाइस ये आ गई है हमारी कॉफ़ी, ये रहा स्टारबक्स यहाँ का, वेरी गुड लुकिंग, वेरी नाइस स्टारबक्स। तो गाइस आ गई है अपनी चाय लाते। जब घर से दूर होते हैं तो चाय बहुत याद आती है, अब यहाँ पे चाय कहाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ स्टारबक्स में चाय लाते मिलती है, इसका हम चाय लाते हैं। और साथ में इम्पॉसिबल हॉपर, हालांकि यहाँ पे अब काफ़ी सारे वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल होने लगे हैं अमेरिका में, पहले नहीं होते थे। एंड दिस इज डिलीशियस, दिस टेस्ट लाइक अ सॉसेज। एक बार ही खाया था मैंने सॉसेज, टू बी ऑनेस्ट। तो गाइस फिर आपको खा के मिलते हैं आपसे, आगे की जर्नी आपको शेयर करते हैं। टेक केयर गाइस। यहाँ पर अपनी पेट पूजा और चाय की प्यास वो ख़त्म होती है। चाय अच्छी थी, जैसे इंडिया में होती है वैसे तो नहीं थी, पर यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छी चाय थी। और इम्पॉसिबल ब्रेकफास्ट सैंडविच जो कि वेजिटेरियन है वो भी बहुत टेस्टी था। हालांकि मैं आपको आपकी नॉलेज से बता दूं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, बट मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन खाता हूं। सो यहां से अपनी मैं जर्नी जो है एरिजोना की शुरू करता हूं। और जो सिटी है इसका नाम है कोचेला, और यहाँ से एरिजोना लगभग एरिजोना का बॉर्डर वो है क्वार्ट साइड एरिजोना, वो लगभग यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है, 2 आवर्स। सो मेरे पास पूरा दिन पड़ा है क्योंकि मैं पहाड़ वगैरह, खूबसूरती वगैरह देख सकता हूँ। सो मैं भी देखूँगा, आपको भी दिखाऊँगा। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू।